हमीरपुर जिला में राजस्व विभाग के कारनामे एक एक कर उजागर हो रहे हैं। सामलात सरकारी भूमि को मलकियत में तब्दील कर बेचने की शिकायत जिलाधीश के पास पहुंची है। फिलू पुत्र दीनू विकास नगर जिला हमीरपुर निवासी ने शिकायत पत्र सौंप करीब 100 कनाल सरकारी जमीन बेच लगभग 15 करोड़ रूपए की जमीन घोटाले की पोल खोली है। उन्होंने आरोप लगाया है कि 2006 और 7 में हुई बंदोबस्त की नवीन अक्ष नक्शा मुसावी के खसरा नंबर इस्तेमाल साल 1965 व 66 से कहीं नहीं मिल रहे हैं। इस बारे में फिलू ने एक शपथ पत्र भी जमा करवाया है। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायत के बावजूद पुराने रिकॉर्ड को नष्ट कर मामले को दबाने का प्रयास राजस्व विभाग कर रहा है। फिलू ने अन्य ग्रामीणों के साथ मिलकर जिलाधीश हमीरपुर से मिलकर मामले का हल निकालने का आग्रह किया। वहीं जांच न होने पर ग्रामीणों ने 7 जुलाई से गांधी चौक हमीरपुर में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने का ऐलान भी कर दिया है। जिलाधीश डॉक्टर ऋचा वर्मा का कहना है कि शिकायत मिली है, इस बारे में रिकॉर्ड देखकर ही कुछ कहा जा सकता है। हमारा बंदोबस्त हुआ, बंदोबस्त में जो बहुत बड़ा घोटाला हुआ और जो नई मुसावी बनाई गई है उसमें और जो पुरानी मुसावी है कंसोलिडेशन उसमें भिन्नता है और इसमें लगभग 100 कनाल जमीन जो है वो जो है तब्दील मलकीत गवर्नमेंट की जमीन तब्दील मलकीत हुई है। तो इस जांच के लिए मिले थे और उसकी कीमत लगभग जो है वो 15 करोड़ रुपये है। हम बंदोबस्त जो है दोबारा कराना चाहते हैं और जाँच मौका पर चाहते हैं इसको डीसी साहब ने देखने की बात की, देखते हैं। ये बंदोबस्त वालों ने किया ना जी, वो गांव जो है गांव ही बदल के रख दिया है, बाउंड्री कायम कोई नहीं किया, उन्होंने घर पर बैठ कर ये काम किया है, मौके पर कोई काम नहीं। बंदोबस्त जो दूसरी बार होना चाहिए जी।